हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इंफ्रा माइंड। गाइस, आप इस चैनल पर डेली जॉब रिक्रूटमेंट के जॉब अपडेट्स पाते रहेंगे सभी ऑफ कैंपस ड्राइव से लेकर के ऑन कैंपस ड्राइव तक। और गाइस, आज की वीडियो में एक बार फिर से बहुत ही कमाल की जॉब रिक्रूटमेंट हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। यहाँ पर गाइस, विप्रो कंपनी में एक ऑफ कैंपस ड्राइव रिक्रूटमेंट निकल कर सामने आई है सभी फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। अगर आप बी टेक बीएससी बीए बीकॉम की डिग्री आपके पास है तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो इस जॉब रिक्रूटमेंट को। बेसिकली ये जो जॉब रिक्रूटमेंट गाइस वो 2020 ईयर में आई है, तो आप ये मत समझिएगा कि 2020 बैच के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर केवल ये जॉब रिक्रूटमेंट 2020 ईयर में आई है, इसलिए इसका नाम है विप्रो ऑफ कैंपस ड्राइव 2020। प्रोफाइल जो है गाइस, इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए आपका सर्विस डेस्क इंजीनियरिंग पे है। सैलरी जो है आपकी वो बहुत ही अच्छी है, 4.46 लाख पर एनम, 26.64 लाख पर एनम होने वाली है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग, कि आपको अप्लाई करना कैसे है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सैलरी क्या होगी, और फाइनली हम बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा इस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो को बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो विप्रो की तरफ से ऑफ कैंपस ड्राइव की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जैसा कि इस पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप जाकर के सारी चीज़ों को चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने डिमांड किया है कि सभी आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है, एमई है, एमटेक है, एमबीए है, एमएससी है या फिर एमसीए स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो। केवल 2019 ईयर आप पासिंग बैच के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आप 2020 बैच के स्टूडेंट को तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओनली 2019 बैच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास उनका ग्रेजुएशन की डिग्री है वही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन का क्राइटेरिया देखा है कि 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन आपके पास कंप्लीटेड होना चाहिए, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, केवल आपके पास डिग्री है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है लाइक आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए कि कैसे भी किसी भी डेस्कटॉप को, लैपटॉप को या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को हम ट्रबल शूट कैसे करते हैं, किसी भी क्वेरीज को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू या फिर वेब के थ्रू। और कुछ चीज़ें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है लाइक आपके पास 24x7 का वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है, मतलब कि आप डे शिफ्ट भी वर्क करने को मिल सकता है या फिर नाइट शिफ्ट में भी आपको वर्क करने को मिल सकता है, रोटेशनल शिफ्ट हो सकते हैं, 5 डेज पर वीक होगी, मतलब कि एक वीक में आपको 5 डेज ही वर्क करने को मिलेगा, 2 दिन की आपकी हॉलीडे होगी पर वीक। यहाँ पर सारी चीज़ों को आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। ज़्यादा चीज़ें बोलूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको बोर कर सकती है, तो आप जाके एक एक चीज़ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू चेकआउट कर लीजिएगा। अगर भी कुछ क्राइटेरिया उन्होंने दे रखी है जिसे आप जाके चेकआउट कर लेना है। सिलेक्शन के प्रोसेस का जब हम बात करते हैं कि आपको सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, किन किन स्टेज से आपका सिलेक्शन होगा, तो पहला जो स्टेज होगा आपका गाइज ग्रुप डिस्कशन होगा, सेकेंड स्टेज जो होगा वो टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एंड थर्ड स्टेज जो होगा वो एचआर इंटरव्यू होगा। तो तीनों स्टेज को क्लियर करने के बाद आप बिजली जॉब रिक्रूटमेंट को क्रैक कर जाओगे। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है इस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग, केवल यहाँ पर आपका 3 प्रोसेस में इंटरव्यू होगा। पहला जो होगा जीडी होगा यानी ग्रुप डिस्कशन, फिर टेक्निकल राउंड, फिर एचआर राउंड। तो तीनों राउंड को क्लियर करने के बाद आप इजली इस जॉब को क्रैक कर जाओगे। तो गाइस हम बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के रिक्रूटमेंट को। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आप विप्रो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैरियर वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो मैं विप्रो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाले कैरियर पेज पे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया, जहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप इजीली को डिटेल को चेकआउट कर सकते हो। डिटेल को सारे चेकआउट करने के बाद आपको सबसे नीचे एक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, आपको इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करोगे अब विप्रो के ऑफिशियल जो भी इस पर्टिकुलर जॉब रिक्रूटमेंट के लिए डिटेल आपको फिल करना है वहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है कैंपस सर्विस डेस्क हायरिंग पोस्ट पर। तो यहाँ पर जाकर आपको सारी चीज़ों को, सारी डिटेल को फिल कर लेना है, फिल करके इजली अप्लाई करना है, और आपको सारे यहाँ पर चीज़ों चेकआउट कर लेनी है, इजली आपको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करने का। अप्लाई करने के बाद आप इन्हें रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपने डिटेल को नेक्स्ट फेज पे फिल करके अप्लाई कर लीजिएगा। और इस वीडियो में सारी चीज़ को समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। We'll be right back.